नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। जी हाँ, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम आज क्लियर करवाएंगे। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? जी हां, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? जी हाँ, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैजनाथ मठ। क्या हो जाएगा? बैजनाथ मठ। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा, झारखंड के किस शहर को मुटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या चार, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? जी हाँ, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासुकीनाथ दुमका। जी हाँ, बासुकीनाथ कहाँ है? दुमका जिले में, बासुकीनाथ। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या पांचवा, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? जी हाँ, टेम्पल ग्राउंड जो है किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कीनन स्टेडियम। जी हाँ, कीनन स्टेडियम का पुराना नाम जो है वह क्या था? टेम्पल ग्राउंड। जी हाँ, जो कहाँ स्थित है? यह ग्राउंड जो है जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या छः, म्यूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? जी हाँ, म्यूराक्षी नदी का पुराना नाम जो है वह है आपका मोरखी नदी, ऑप्शन नंबर डी, मोरखी नदी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या सातवा, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? तो नेतरहाट को ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या आठवा, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो प्लाउन जो है किसका पुराना नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। पलामू का पुराना नाम प्लाउन या पालून है। जी हाँ, प्रश्न संख्या नौ, खेल नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? जी हाँ, निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्लुस्कीगंज। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्लुस्कीगंज। गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है? मैक्लुस्कीगंज का। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंडा। किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो सारंडा को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13, झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से जो है किसे कहा जाता है? तो झारखंड का प्रवेश द्वार जो है वो कोडरमा को कहा जाता है। किसको? झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? कोडरमा को। जबकि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को जो है मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर, शिव की नगरी, भला कौन नहीं जानता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15, शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, शहीदों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। प्रश्न संख्या 16, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरांबे। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कोरांबे को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा। जी हमने बोला झारखंड का प्रवेश द्वार हो गया कोडरमा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा।
प्रश्न संख्या 19, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से जो है प्रसिद्ध है? झारखंड स्थली जो है कौन सा स्थान जो है महादेव के नाम से, स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम। जी हाँ, बैद्यनाथ धाम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 21, भारत की अवरक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। प्रश्न संख्या 22, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 23, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भिंडरा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? जी हाँ, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलियागढ़ किला साहिबगंज। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 26, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा शहर, कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव राय मंदिर गुमला। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची, सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 29, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? जी हाँ, तो डाल्टनगंज का जो है नया नाम मेदनी नगर है, डाल्टनगंज का नया नाम मेदनी नगर, जबकि अगर पुराना नाम का बात किया जाए तो बिजरबाग। जी हाँ, डाल्टनगंज से भी पहले उसका नाम था बिजरबाग, उसके बाद डाल्टनगंज, और जबकि अभी नया नाम उसका मेदनी नगर है। तो डाल्टनगंज का नया नाम मेदनी नगर, पुराना नाम का अगर बात किया जाए तो बिजरबाग। तो यह था आपका झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिनको बनाने का मन है तो आप पीडीएफ के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।